नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मैनपुरी के करहल क्षेत्र के मीठेपुर हाईवे पर पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें आपको कि स्कूल संचालक समेत 3 लुटेरे गिरफ्तार हो चुके हैं। कब्जे से 66 लाख रुपए का सामान भी बरामद कर लिया गया है। बता दें आपको गिरोह में कुल 11 अभियुक्त शामिल हैं और वहीं 8 अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त से दूर बताए जा रहे हैं। तो मैनपुरी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर हाईवे पर बताया जा रहा है कि हाईवे पर ही ट्रक के द्वारा ही ये बताया जा रहा है कि हाईवे ट्रक लूट कांड का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं मैनपुरी से, जहां पर अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मैनपुरी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर जानकारी सामने आई है हाईवे ट्रक लूट कांड का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। बताते चले आपको कि पुलिस को काफी दिनों से इनकी तलाश थी, जिसके बाद पुलिस के हाथ सफलता लगी और कब्जे से 66 लाख रुपए का सामान भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। आपको जानकारी दे दें, गिरोह में कुल 11 अभियुक्त शामिल है, वहीं 8 अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त से दूर बताए जा रहे हैं। पुलिस के द्वारा थाना हाजा के अभियोग में साल 2018 से वंचित चल रहे एक नफर 20,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया है कि थाना मंडी पुलिस द्वारा थाना हाजा के अभियोग में ही 2018 से वंचित चल रहे 20,000 रुपए के इनामी अभियुक्त चंद्रशेखर पुत्र सुखदेव राम को उसके मस्कन जनपद बेगूसराय बिहार से गिरफ्तार किया गया है। बता दें आपको कि उन्होंने जानकारी दी है, गिरफ्तार अभियुक्त पतंजलि आयुर्वेदिक की फ्रेंचाइजी का सांझा जांचा देकर ही यहां पर 3 लाख रुपए ठगने के संबंध में पंजीकृत मुकदमे में 2018 से वांछित चल रहा था, जिसके विरुद्ध ही कुर्की की कार्रवाई की गई। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अभियुक्त पर राज्य सरकार के द्वारा 20,000 रुपए का पुरस्कार भी घोषित किया गया था। जी हाँ, ये 2018 से वांछे चल रहा था चंद्रशेखर, एक फर्जीवाड़े के मुकदमे में। ये एक संगठित गैंग था जो दूसरे लोगों को पतंजलि आयुर्वेद की फ्रेंचाइजी दिलाने का प्रलोभन देता था, उनसे पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करा देता था। तो उसी जब विवेचना चल रही 2018 में, तो ये सब 5 लोग थे जो वांछे चल रहे थे। इन पर 82-83 की कार्रवाई हो चुकी थी और अभी ये मंडी पुलिस बेगूसराय से इनको गिरफ्तारी करके यहाँ पे लाई है और अब इनको कोर्ट भेजा जा रहा है। तो कितना इनाम इनके ऊपर था? इन पर 20,000 रुपये का इनाम हुआ है। क्या कुछ आरोप है इनका, पूरा क्या मामला है? जी हाँ, जैसे मैंने बताया, ये गिरोह चला रहे थे, ये बोलते थे लोगों से, प्रलोभन देते थे उनको ऑनलाइन माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से, कि हम आपको एक पतंजलि आयुर्वेद की फ्रेंचाइज दिला देंगे, फिर आप भी आगे कस्टमर जोड़िएगा और उसमें आपको प्रॉफिट होगा, आपस में बांटिएगा। इसी प्रलोभन देने के लिए लोग कॉल करते थे। इस गैंग ने क्या किया था कि एक जो इसमें वादी था उससे 3 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा लिए थे, और जब बाद में उसको पता चला कि इस तरह का ये कोई एजेंसी नहीं चला रहे हैं, सब फर्जीवाड़ा है, तो हरदोई में राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की मामला जो है वो सामने आया है, जिसमें सत्यापन के दौरान पता चला कि 13,803 मृतक स्वर्ग से पेंशन ले रहे थे और इसके साथ ही 45,470 ऐसे लाभार्थी पाए गए जो अपने पते पर ही नहीं रह रहे थे। बता दें आपको, जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया है कि ऐसे लोगों की पेंशन ब्लॉक कर दी गई है और सत्यापन होने के बाद ही पेंशन दी जाएगी। हरदोई के ही जनपद में 1,42,495 पेंशनर हैं और वृद्धावस्था पेंशन को ही लेकर कराए जा रहे सत्यापन का कार्य समाज कल्याण विभाग ने किया है। आपको बता दें कि इसको कई प्रतिशत पूर्ण भी कर लिया गया है, जिसमें कि कई हजार इसको लेकर 398 लोगों का सत्यापन हो चुका है। बताते चले आपको कि पेंशन धारकों का समय समय पर सत्यापन कराया जाता है और इस बार आधार प्रमाणीकरण भी कराया जा रहा है। तो हरदोई से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर जानकारी सामने आई है कि इसको लेकर अधिकारी ने जानकारी दी है, ऐसे लोगों की पेंशन ब्लॉक कर दी गई है और सत्यापन होने के बाद ही पेंशन दी जाएगी। हरदोई जनपद में ही 1,42,495 पेंशनर हैं और वृद्ध अवस्था पेंशन को ही लेकर कराए जा रहे सत्यापन का कार्य समाज कल्याण विभाग ने
इसको लेकर ही 97% पूर्ण कर लिया है, जिसमें 97,398 लोगों का सत्यापन हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि पेंशन धारकों का समय समय पर सत्यापन कराया जाता है और इस बार आधार प्रमाणीकरण भी कराया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, जो व्यक्ति 60 वर्ष से ऊपर हो जाता है उसको इस योजना का लाभ उन लोगों को दिलाया जाता है जो BPL श्रेणी में आते हैं। तो उनमें से जनपद में 1,42,495 लाभार्थी हैं वर्तमान में, जिनमें से 97,398 लोगों ने आधार प्रमाणीकरण करा लिया है एवं अब शेष हैं उन 45,470 हैं, उनको हमने ब्लॉक किया है। ब्लॉक करने का कारण यह है कि विकास खंडों से या नगर पंचायतों से इनका सत्यापन कराया गया, तो ये ऐसे लोग हैं जो अपने पंचायतों में नहीं रहते, तो विभाग द्वारा कहा गया कि इनको अभी टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया जाए, अगर ये आते हैं तो इनका आधार प्रमाणीकरण करा लिया जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ हरदोई से हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, वृद्धावस्था में पेंशन को लेकर सत्यापन कार्य को लेकर इसमें कराया जा रहा है, क्या जानकारी है विस्तार से बताइए। जी, आपको ये पूरा मामला हरदोई जिले का है। यहाँ राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें सत्यापन के दौरान 13,830 मृतक स्वर्ग से पेंशन ले रहे थे। इसके साथ ही 45,470 ऐसे लाभार्थी पाए गए जो अपने पते पर ही नहीं रहते थे। वही जिला कल्याण समाज अधिकारी ने बताया कि ऐसे लोगों के पेंशन ब्लॉक कर दी गई है और सत्यापन होने के बाद ही पेंशन दी जाएगी। जी मोहम्मद आसिफ, इसमें घोटाले का कितना मामला सामने आ रहा है, लगातार ऐसे पेंशन को लेकर मामले सामने आते रहते हैं, और इसमें क्या कुछ लोगों का कहना है पूरे मामले पर? इसमें घोटाला के 13,830 तो जो जिनकी मृत हो चुकी थी वही पेंशन ले रहे थे जी। और दूसरा जो है ये 45,470 जो ऐसे लोग हैं जिनके पते ही नहीं मिले जी। जो ये भी फर्जी ही पाए गए हैं। जी आसिफ, बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो हरदोई से आपको खबर बता रहे थे, जहां पर वृद्ध अवस्था पेंशन को लेकर यहां पर सत्यापन कार्य कराया गया है, और ये भी जानकारी है 13,803 मृतक स्वर्ग से पेंशन ले रहे थे, ऐसी इसमें जानकारी सामने आ रही है। सफाई में शिवपाल यादव ने मेनपुरी सांसद और बहू डिंपल यादव के विरुद्ध टिप्पणी पर बीजेपी पर हमला बोला है। मीडिया से बात करते हुए बहू पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर शिवपाल यादव बरसते हुए नजर आए हैं। बता दें आपको कि डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी मामले में शिवपाल ने कहा है कि बीजेपी के लोगों की 99 बार तक गलतियां देखेंगे, उसके बाद माफ नहीं करेंगे, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, हम समाजवादी सड़क से ही संसद तक घेरेंगे, प्रदेश से भाजपा का सफाया जल्द होगा। तो इटावा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर ये जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि शिवपाल यादव पर अभद्र जो भाषा बोली गई है, सफाई में शिवपाल यादव ने मेनपुरी सांसद और बहू डिंपल यादव के विरुद्ध टिप्पणी को लेकर हमला कहा है बीजेपी पर। मीडिया से बात करते हुए बहू पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर शिवपाल यादव बरसते हुए साफ तौर पर नजर आए हैं। डिंपल यादव पर आपको बता दें अभद्र टिप्पणी मामले में शिवपाल ने कहा है कि बीजेपी के लोगों की 99 बार तक गलतियां देखेंगे और उसके बाद माफ नहीं करेंगे, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, हम समाजवादी सड़क से ही संसद तक घेरेंगे, प्रदेश से भाजपा का सफाया जल्द होगा। 99 बार तक देख रहे हैं, 99 बार तक, और 99 जैसी पार होगा वैसी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरह से मनीष जगन को भी भाजपा सारे को पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर उसके बाद ये सोशल मीडिया वार शुरू कर दिया है, तो इसे भाजपा सांसद डिंपल यादव के लिए और व्यक्तिगत जो चर्चाएं रही, तो इसमें कहीं ऐसा लगता है कि सरकार की कोई मंशा रही है? देखिए, जो भी राजनीति में स्वस्थ परंपराएं होती हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ परंपराओं को खत्म कर रही है। और देखिए, जो मैंने कहा है कि अभी तो हम देख रहे हैं कि
और 99 तक जो बार। तो इटावा से आपको खबर बता रहे हैं, शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी पर उन्होंने जबरदस्त भड़के नजर आए हैं। बता दें आपको कि बहू पर टिप्पणी को लेकर नाराज नजर आ रहे हैं शिवपाल यादव। गाजीपुर के सदर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 3 हीरोइन तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से ही 1,124 ग्राम बरामद किया गया है। आपको बता दें जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि हीरोइन तस्कर सदर कोतवाली क्षेत्र के ही जमानिया मोड़ के पास है और वहाँ से वो हीरोइन लेकर जाने की फिराक में है। स्वाट टीम और सदर कोतवाली पुलिस ने जमानिया मोड़ के पास तीनों तस्करों को दबोच लिया और गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक गंगाराम बाराबंकी जनपद के थाना मसोली के ही नेवला का रहने वाला है, जबकि अभियुक्त मनोहर प्रसाद सुधीर कुमार राय गाजीपुर के निवासी हैं। कोतवाली पुलिस और हमारे जो स्वाट और सर्विलेंस की टीम है, ये काफ़ी दिन से मादक पदार्थों पे काम कर रहे थे, क्योंकि इसके लिए गाजीपुर कुख्यात भी है। तो रात में इन्हें एक सफलता मिली है जिसमें 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जो अवैध मादक पदार्थों को बनाते भी थे और उन्हें बाज़ार में अपना ग्राहकों तक पहुंचाते भी थे। इनके पास से क्रूड माल, कुछ केमिकल जिसके द्वारा ये बनाते थे और कुछ तैयार माल, करीब 1 किलो से ज़्यादा हेरोइन मिली है इनके पास से जो इनके द्वारा निर्मित की गई थी। इसके अलावा करीब 4 लीटर के करीब वो केमिकल मिला है। बलरामपुर जिले के ही सभी 9 ब्लॉकों का मामला सामने आया है, जहां अपनी मांगों को लेकर ग्राम प्रधान संघ प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जिले भर के ब्लॉकों में प्रधान प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी और सीडीओ की कार्यशैली से ही ग्राम प्रधान नाराज है। मनरेगा में ऑनलाइन मॉनिटरिंग का भी प्रधान विरोध कर रहे हैं। प्रधान संघ का आरोप है कि अधिकारी बिना 20% लिए कोई काम नहीं करते हैं। जिले में 800 ग्राम पंचायतों में होते हैं ग्राम प्रधानों के जरिए विकास के कार्य जो है वो होते हैं। इसको लेकर बड़ा बयान सामने आया। बता दें आपको कि बलरामपुर से खबर है, जहां पर जिले भर के ब्लॉकों में प्रधान प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें आपको कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर ग्राम प्रधान संघ उतर आया है और लगातार अपनी मांग पर डटा हुआ नजर आ रहा है। बलरामपुर में सड़क सुरक्षा माह के दौरान ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। मोटरसाइकिल पर कहीं 3 तो कहीं 4 लोगों को बैठाकर यात्रा की जा रही है और ओवरलोड गन्ने की गाड़ियों की वजह जगह जगह ट्रैफिक जाम लग रहा है। जिला प्रशासन पुलिस विभाग कार्रवाई करने में विफल भी नजर आ रहा है और पुलिस और अधिकारियों के सामने से चीनी मिलों के ओवरलोड वाहन गुजरते हैं और DM डॉक्टर महेंद्र कुमार के निर्देशन में यहाँ पर सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, लेकिन लगातार ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ती हुई यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। बलरामपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ओवरलोड गाड़ियां यहां पर जा रही हैं और वहीं लोगों को, आप जो आम जनता है, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक मोटरसाइकिल पर 3-4 लोग भी मौजूद नजर आ रहा है। खबर जालौन से है। जालौन SOG सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि राम जानकी मंदिर से चोरी हुई अष्ट धातु की राम दरबार की मूर्तियों को बरामद कर लिया गया है। एक महिला सहित 4 अंतर्राज्यपदीय चोर को गिरफ्तार किया गया है और SP रवि कुमार ने मामले का खुलासा कर दिया है। देखिए, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इसमें कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और ये थाना कदौरा में जो एक मरगाया गांव में चोरी हुई थी, मूर्ति की चोरी हुई थी, उसी के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इसमें वादी श्री गोविंद सिंह पुत्र सुगर सिंह निवासी ग्राम भिड़ी खुर्द थाना कदौरा जनपद जालौन के द्वारा सूचना दी गई थी 29 तारीख को
मंदिर से, राम जानकी मंदिर ग्राम मरगया से कुछ मूर्तियाँ चोरी हो गई हैं, और इसी संबंध में थाना कदौरा पर क्राइम नंबर 180/22 457-380 IPC की धाराओं में पंजीकृत किया गया था। उसके बाद एसओजी और सर्वलांस की टीम ने काफ़ी अच्छा गुड वर्क किया है और ये पूरी घटना को वर्कआउट किया गया है, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 लोग, एक स्वतंत्र और दूसरा शशांक, ये दोनों कानपुर नगर और कानपुर देहात के रहने वाले हैं। ये लोग गांव में मंदिर पर जमीन को लीज पे लेने के बहाने वहां पे आए थे, मंदिर पे रुके थे और रात्रि के समय में इन लोगों ने चोरी की थी। और इनको पीछे से ऑपरेट करने वाली एक महिला भी जो है वो भी गिरफ्तार की गई है, जो इनसे इस तरह की घटनाएं करा। बांदा नगर कोतवाली के बांदा रोडवेज पर अनियंत्रित रोडवेज बस ने एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी और रोडवेज ड्राइवर की लापरवाही से ही एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि भाभी को लेकर युवक अस्पताल जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। स्थानीय लोगों की माने तो रोडवेज चालक को आवाज दी, उसके बाद भी चालक गाड़ी भगाने में लगा रहा। ड्राइवर नशे की हालत में बताया जा रहा है घटना के बाद घंटों वहां पर जाम लगा रहा। हम लोग उधर बैंक से वापस आ रहे थे, तो इधर से रोडवेज बस वालों ने लगभग 3-4 गाड़ियां एक साथ निकाली, जिसमें से एक जो है जिसको हम हॉस्पिटल लेकर आए हैं, ये बस वालों को रोक रहा था कि मेरी भाभी है, प्रेग्नेंट है, मेरी जाम लगा हुआ था कि उनको पहले निकल जाने दीजिए, इसके बाद आप निकालिए। रोडवेज वाले ने इसको पूरा दबाते हुए, पूरा घसीटते हुए आया और इतनी तेजी से जब देखा कि ये दब गया, तो हम मेरी स्वयं की गाड़ी है, 4 पहिया में पूरा मारा तो पूरी जो है तो गाड़ी मेरी बहन जो है। किस तरीके से घायल हुआ है और कुछ गंभीर चोटें हैं? अब वो आपके सामने पूरा जो है तो उसने पूरा दबा ही दिया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में पूर्व तहसील मुख्यालय और कस्बे को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर बन रहे निर्माणधीन पुल के बगल में ही बने अस्थायी पुल विभागीय लापरवाही के चलते लगभग 20 दिन पहले रात में ही बह गया था। अस्थायी पुल बहने से आसपास के गांव की बड़ी संख्या में लोग और कानपुर से आने वाले राहगीरों को कई किलोमीटर घूमकर अपने घरों तक जाना पड़ रहा है। और यही नहीं, पुल न बन पाने से ही लोगों को नहर के किनारे बने कच्चे मार्ग से जाना पड़ रहा है, जो कि जान को ही जोखिम में डालता है। घने कोहरे के चलते कोई भी हादसा यहां पर हो सकता है और लोग हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में चल रही शीत लहर में ही जहां प्रदेश भर के ज्यादातर कस्तूरबा विद्यालय को बंद रखा है, तो वहीं ललितपुर जिले के ही कस्तूरबा विद्यालयों में विद्यार्थियों की छुट्टी है। बता दें आपको, शिक्षकों को बराबर बुलाया जा रहा है और ऐसी कड़ाके की ठंड में ही विद्यालय ठंड से दूर से सफर करके विद्यालय पहुंचना पड़ता है। कस्तूरबा के हेड योगेश मिश्रा, उनका कहना है कि कस्तूरबा में तैनात जिले के सभी शिक्षकों को शीतलहर अवकाश इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि हमें जिले में सभी कस्तूरबा विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त बनाना है। यह कहना जिला शिक्षा विभाग में तैनात अधिकारी योगेश मित्रा का है। आपको बता दें, उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है और कहा है कि जो कुछ भी पूछना है सब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से पूछिए। योगेश मिश्रा जी के इस जवाब पर कई सवाल खड़े होते हैं। कस्तूरबा विद्यालय में तैनात इन शिक्षकों की माने तो उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में कस्तूरबा विद्यालय बंद है, तो वहीं ललितपुर में सभी कस्तूरबा विद्यालयों में इन सब की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। आखिर इन शिक्षकों से ऐसी कड़ाके की ठंड में क्या काम लिए जा रहे हैं? वहीं शिक्षकों की माने तो इनका मानदेय भी बहुत ही कम है, इनको मात्र 8,200 रुपए ही मानदेय मिलता है। बलरामपुर में जनपद की ही पुलिस ने एक सराहनीय कार्य किया है, जिसमें सेक्स टॉर्शन करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को हुई गिरोह के गिरफ्तार किया गया है और अपराधी राजस्थान के भरतपुर जिले के निवासी हैं। ऐसे ही तमाम मामलों का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें ये अपराधी भारत के कई राज्यों में अपना गिरोह चलाते थे और लड़की बनकर दूसरे के साथ लैंगिक क्रिया करने के लिए उत्तेजित करते थे। आपको बता दें कि बाद में ही उनको ब्लैकमेल करके उनसे लाखों और करोड़ों रुपए की वसूली किया करते थे। तो आपको जानकारी दे रहे थे, जहां पर खुलासा किया गया है, बताया जा रहा है कि लगातार इनकी ओर से मांग भी की जाती थी और वहीं पर जिससे आहत होकर
एक व्यक्ति की हृदय गति रुक गई थी और उसकी मौत भी हो गई थी। हमारे स्वाट टीम, सर्विलांस टीम द्वारा एक घटना हुई थी 6 सितंबर को पिछले वर्ष, जिसमें एक सफाई कर्मी थे इस्तकाम पुत्र सयाद, जो कि शेख डी सुखरामपुर में सफाई कर्मी थे थाना तुलसीपुर, उनका शव मिला था। उस विवेचना में हम लोगों लगे ज्ञात हुआ कि कुछ व्हाट्सएप नंबरों से उनसे अवैध वसूली की जा रही है, और जब इसमें और इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पूरी बात ये समझ के आई कि ये जो गिरोह है, भरतपुर का गिरोह था जो इनसे सेक्सटॉर्शन करता था, और इन उस व्यक्ति से एक उसमें से एक पुलिस अधिकारी बनकर इनसे पैसे मांगता रहा, इनकी अश्लील तस्वीरें आ गई थी। ललितपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर ग्राम रामपुर बहाड़ा हार थाना ताल बेहट से कुछ पीड़ित लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय ललितपुर में न्याय की गुहार लगाने पहुंचे और बताया कि विगत दिनों पूर्व कुछ दबंगों ने घर के बाहर बैठे लल्लू को अपना निशाना बनाया और लाठी डंडों कुल्हाड़ी से उनकी पिटाई कर दी, जिससे लल्लू और सौरव गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें तत्काल ही ताल बेहट CSC से झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था, जिनका उपचार चल रहा है। वहीं घटना की सूचना तत्काल ताल बेहट पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची ताल बेहट पुलिस ने कार्रवाई तो कर दी, लेकिन पीड़ित लोग कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, पूरे मामले की विवेचना कर रहे। दरोगा ओमकार पर लग रहे विपक्षियों से पैसे लेकर आरोप लग रहे हैं, उन्हें खुले में छोड़ देने के भी आरोप लगे हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि आरोपी दबंग किस्म का व्यक्ति है और वह किसी बड़ी घटना को ही अंजाम दे सकता है। पीड़ित लोगों ने विवेचन ओमकार को ही तत्काल हटाने की मांग की है। बदायूं के फेजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में बाइकर्स गैंग का रोड पर आतंक देखने को मिल रहा है। बाइकर्स गैंग आए दिन लोगों से मारपीट किया करते हैं। बाइकर्स गैंग की मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल होने लगा है। बाइकर्स गैंग टॉक्सिक गैंग के नाम से ही फेजगंज बेहटा कस्बे से प्रसिद्ध है और बाइकर्स गैंग के एक सदस्य का तमंचे के साथ फोटो वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, और वायरल वीडियो में एक युवक फायरिंग करता हुआ साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश की शीतलहर में किसी भी बेघर और बेसहारा को परेशानी न उठाना पड़े, इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, और बेघर और बेसहारा खुले आसमान के नीचे रात ना गुजारे ये भी आश्वासन दिया गया है। इसके लिए अधिकारियों को सड़क पर निकलकर जमीनी हकीकत जानने के लिए निर्देश दिए गए हैं, लेकिन महोबा में ही कई ऐसे स्थान हैं जहां पर कई परिवार खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं और जमीन में बिस्तर बिछाकर ही रात गुजारने के लिए मजबूर हैं, और जिम्मेदार अधिकारियों की इन पर नजर तक नहीं जा रही है। शीतलहर से बचाव को लेकर बेहतर इंतजाम के दावे प्रशासन कर रहा है। यहाँ पे 4 रेनवे चल रहे हैं, रेलवे स्टेशन, रोडवेज, टाउन हॉल और आसरा जो आवास, उसमें सभी लोगों को एकदम इस व्यवस्था है कि कोई बाहर सोए नहीं खुले में, और सभी बागों में अलाव जल रहे हैं, और सभी चौराहों पे, रेलवे पे और रोडवेज पे सब जगह अलाव भी जलाए जा रहे हैं। सर, क्या कोई टीम गठित की गई है जो ये देखे कि रास्तों में लोग अगर हैं या राहगीर हैं तो उनकी मदद की जाए, ऐसी कोई टीम बनाई गई क्या? देखिए, गठित की गई है, तहसील की भी एक टीम है जो देखती है, और नगर पालिका वाले भी रात को देखती है कि कोई बाहर न सोए और सब अलाव जले ठीक ढंग से। बच्चे खुले आसमान के नीचे रह रही हैं। अभी क्या करेंगे, पेट के लिए तो कहीं भी रहना पड़ता है। प्रशासन द्वारा कोई मदद दी गई आप लोगों को? नहीं दी। कैसे करते हैं जब इतना टेम्परेचर नीचे जा रहा है, सुबह के टाइम 3-4 डिग्री रह रहा है, आप लोग इतनी सर्दी में? अभी क्या करेंगे, अभी तापते हैं लकड़ी पे, आदत सी है, रहते हैं। कितने लोग हैं आप लोग टोटल? टोटल हम बहुत जन है। कितने? 10-12 जन तो है भाई लोग। अच्छा, तो सब खुले आसमान के नीचे ही है? हाँ,
कितने दिन से हो? अभी हमें एक महीना हो रहा है। यहीं पे? एक महीना। कोई आया मदद? नहीं नहीं, कोई नहीं आया ना, कोई मदद के लिए आया नहीं, मगर किसी ने तंग किया। हम नागपुर के। तो नागपुर में ऐसा होता है, वहाँ मदद नहीं मिलती? नागपुर में नहीं मिलती है ना। और मिलती है। और यूपी में मदद यहाँ पे आते कभी नहीं। लोगे खुले में क्यों आप लोग रुकी? पेट के लिए रुकते, पेट भरते चले जाते, मांगते खाते, 20-25 दिन रहते चले जाते फिर गाँव। आपको सरकारी मदद नहीं मिली रुकने के लिए? घर है, जुगिया है हमारे गाँव में। यहाँ कोई व्यवस्था? यहाँ नहीं, यहाँ ऐसे ही रहते हैं खुले आसमान के नीचे। इतनी क्या करेंगे, अब गरीब है तो गरीब की ठंड लग रही है। ठंड तो लगेगी। अच्छा, कोई सरकारी व्यक्ति आया आप लोगों की मदद के लिए? नहीं, कोई नहीं आया। आते हैं तो भगा देते, रहने नहीं देते। तो महोबा से खबर आपको बता रहे थे। महोबा में आने वाले राहगीरों के अलावा बेघर और बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरे का संचालन किया जा रहा है। और अधिकारियों की माने तो महोबा में 3 अस्थायी रैन बसेरे बने हुए हैं। पालिका के टाउन हॉल में 100 बिस्तरों की व्यवस्था सहित रेलवे स्टेशन और रोडवेज परिसर में भी रैन बसेरा बनाया गया है। इसके अलावा डूडा विभाग द्वारा ही शेल्टर होम भी बना हुआ है, मगर इनका लाभ गरीब लोगों तक नहीं पहुँच रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।